हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लाऊँ CPL 2022 के दोस्तों जो है फर्स्ट मैच की मैच परीक्षण, जो फर्स्ट मुकाबला है खेला जाएगा दोस्तों 1 सितंबर की सुबह 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार वॉर्नर्स पार्क स्टेट में खेला जाएगा दोस्तों वेस्ट इंडीज़ में। तो मैच में जाने से पहले अगर दोनों टीमों के प्लेयरों पर ना डालो तो सेंट किट्स के पास जो प्लेयर है द ग्रेट क्रिस्टोफर हेनरी गेल, इवन लुइस डिबॉल, ब्रेवेस, आंद्रे फ्लेचर, शेफन रदरफोर्ड, ड्वेन ब्रावो, डोमिनिक डार्क्स जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, और डैरन ब्रावो भी हैं। वहीं अगर मैं दोस्तों जमैका थलावेस की टीम पे न डालूं तो जमैका थलावेस के पास जो प्लेयर हैं रोमन पावल, फैबिनियन एलन, ब्रेंडन किंग, मोहम्मद आमिर, मेगन पेट्रोस, रेमन रीफर जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो मुझे तो जो है दोस्तों सेंट किट्स नेविस पेट्रोस का पल्ला भारी लग रहा है, क्योंकि हाल ही में जो 10-60 कॉम्पिटिशन हुआ था वो भी इन्होंने जीता एक तरफा बहुत अच्छे तरीके से। प्लेयर्स भी फॉर्म में हैं, मैच प्रैक्टिस उनको मिल चुकी है। अब पिछले 5 मैचों में परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 में से 203 जीत कर आ रही है सेंट किट्स नेविस पेट्रोस, और 5 में से 2 जीत कर आ रही है जमैका थलावेस। इन दोनों टीमों के बीच जो पिछला मुकाबला हुआ था वो जमैका थलावेस 22 रन से जीती थी, ठीक है गाइस। तो और इन दोनों टीमों के जो पिछले 10 मैचों में जो एवरेज रहा है विनिंग परसेंटेज, उस पर नज़र डाले तो 60% है सेंट किट्स का, 40% है जमैका का। एवरेज स्कोर 153 रन रहा है सेंट किट्स नेविस पेट्रोस का, 158 रहा है जमैका थलावेस का, 181 रहा है हाईएस्ट स्कोर दोस्तों सेंट किट्स नेविस पेट्रोस का, 255 रहा है जमैका थलावेस का। उसमें आंद्रे रसल ने बहुत रन मारे थे और आंद्रे रसल अब जमैका के लिए खेल नहीं रहे। और 118 रन लोएस्ट स्कोर रहा है सेंट किट्स नेविस पेट्रोस का, 92 रन रहा है जमैका थलावेस का, ठीक है गाइस। और अगर मैं इस ग्राउंड पे सेशंस की बात करूँगी, 6 ओवर में पहली पारी में जो रन्स बनते हैं वहाँ बनते हैं 47 रन्स, सेकंड पारी में 48 रन्स बनते हैं, 10 ओवर में पहली पारी में 76 रन, दूसरी पारी में 81 रन, और 15 ओवर में पहली पारी में 115 रन, दूसरी पारी में 121 रन, 20 ओवर में 167 रन बनते हैं पहली पारी में 155 रन, दूसरी पारी में लंबी को छोड़ दीजिए तो बाकी सेशंस में रन बनते हैं। तो जिसको भी सेशंस खेलना हो मेरे टेलीग्राम चैनल में आ सकता है, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको स्टोरी के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एक बार ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, अगर आप उन फेक चैनल से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ये तो थी एनालिसिस, अब आइए पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। तो पिच रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, ठीक है गाइस। तो पिच रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। तो सेंट किट्स जो ये वॉर्नर्स पार्क है यहाँ पर जो डोमेस्टिक आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर से बताता हूँ क्योंकि डोमेस्टिक ये मैच है। तो डोमेस्टिक यहाँ पे 69 खेले गए हैं, 31 जीते हैं पहले बैटिंग करने वाले ने, 37 जीते हैं बाद में बैटिंग करने वाले, तो बैटिंग का सेकंड का पड़ा भारी है। टाई जो है दोस्तों एक बार रहा है, एवरेज फर्स्ट इनिंग्स पर 165 का है। जमैका थलावेस का यहाँ पे हाईएस्ट है 255 रन, लोएस्ट भी जमैका थलावेस का है, सी पे ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 150 से कम 21 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर 25 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 9 बार, 190 से ऊपर का स्कोर 14 बार बन चुका है। तो दोस्तों दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे नजर डालूँ तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। सेंट किट्स नेविस पेट्रोस के लिए आंद्रे फ्लेचर ओपनिंग करेंगे, इवन लुइस के साथ क्रिस गेल नंबर 3, शेफन रदरफोर्ड नंबर 4, डिवॉल्ट ब्रेव्स नंबर 5, जोशुआ डी सिल्वा नंबर 6। बाकी की प्लेइंग 11 आपको उन्होंने स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अगर मैं दोस्तों ब्रेंडन किंग की टीम जो है जमैका थलावेस उसकी टीम की बात करूँ तो ब्रेंडन किंग केनार लुइस के साथ ओपनिंग करेंगे, शमंता ब्रुक्स नंबर 3, रोमन पावल नंबर 4, इमाद वसीम नंबर 5, फैबिनियन एलन नंबर 6। बाकी की प्लेइंग 11 आपको उन्होंने स्क्रीन पे दिख रही होगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा होगा इस वीडियो को तो ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टॉस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है इस ग्राउंड पे। तो वीडियो में तो आपको परीक्षण बताई जाएगी पर फाइनल परीक्षण आपको टेलीग्राम में बताई जाएगी आपने तो टॉस। तो आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, लिंक जो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। और एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, अगर आप फेक चैनल से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं पर भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का ज्वाइन होने की जरूरत नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी होगी आपका सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोस, यहाँ दोस्तों सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोस से मुकाबला जीतेगी। हालांकि फाइनल परीक्षण आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी आफ्टर द टॉस प्लेइंग 11 आने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।